अच्छा अनुभव रहा, हमारी सारी टीम ने बहुत अच्छा खेला और बहुत मेहनत करी थी हमने टूर्नामेंट के लिए, अच्छी टीम बनाई थी और एक अच्छी टीम बनी। इसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर विजेता के रूप में हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे विजेता बनते रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये था कि हमारी बैटिंग पावर बहुत मजबूत थी, हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें और उसके अलावा बॉलिंग में भी हमने अच्छे से यूज़ करा अपने आप को। शुरू के कुछ मैचों में हम हार गए थे लेकिन कम बैक करके वापस आए इस टूर्नामेंट में और विजेता बने। मेरी कंपटीशन टीम बंगाल नाइट राइडर ही थी और बहुत ही अच्छा खेली और मैं ये चाहूँगा कि आगे अपने परफॉर्मेंस को सुधारें। वैसे बहुत अच्छा खेले हैं, आगे जीतने की कोशिश करें और वो भी जीतेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट मिला हमें। किस्मत हमारी ख़राब रही जो हम सेमीफाइनल तक नहीं आ पाए। आगे खिलाड़ियों के चयन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें और उसके बाद उनसे ज़्यादा मेहनत करानी पड़ेगी। जीपीएल चेयरमैन सैयद नसीम इकबाल। हमें पब्लिक सपोर्ट मिलता है और यहाँ गौरगंज वाले हमारी इतनी सपोर्ट करते हैं और भोपाल वाले तारिक भाई भी हमारी सपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग सब लोग हमारा साथ देते हैं और हम ऐसे ही साथ देते रहे तो हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इस जीपीएल को और अच्छे ऊंचे स्तर से उठाना चाहते हैं और सब लड़कों को यहाँ से प्रतिभाएँ निकालना चाहते हैं। हम गौरगंज से राष्ट्रीय लेवल की प्रतिभाएँ निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और करते रहेंगे जब तक नहीं निकाल लेंगे। कमलेश राजपाल, उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी जी। गौरगंज में जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है, ये पासू भाई और इनकी टीम जो मेहनत करती है, अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं। रायसेन जिले में मेरे ख्याल बहुत अच्छा टूर्नामेंट जो गौरगंज में देखने को मिला और अगर मध्य प्रदेश के लोग या क्रिकेट मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लोग अगर इस ओर ध्यान दें तो शायद इस एरिया से भी काफ़ी प्रतिभाएं यहाँ से उभर के आएंगी जो मध्य प्रदेश लेवल पे गौरगंज का और हमारे ज़िले का नाम रोशन करेंगे। हम शासन से ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी ओर उनकी नज़र आए क्योंकि वो इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहूँगा।